नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, इसरो में भर्ती निकाली गई है। सतीश धवन स्पेस सेंटर में भर्ती निकल कर आ रही है और इसमें बहुत सारे पद निकाले गए हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए। डिटेल्स में हम बात करेंगे, लेकिन एक बात आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि लगातार भर्ती आ रही है। बार्क में भर्ती आई है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में भर्ती आई है, बिहार पीसीए में भर्ती आने वाला है, अनुदेशक की भर्ती आने वाली है। तमाम भर्तियां लगातार आ रही है। पीएसयू में तो इस साल बहुत ज्यादा भर्ती आई है और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा भर्ती आने वाली है। वैसे में अगर आप आईटीआई करने के बाद पढ़ाई नहीं कर रहे तो याद रखिएगा 2024 के बाद बहुत पछताना पड़ेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले भर भर की भर्ती आएंगी और सबसे बड़ी भर्ती रेलवे में आने वाली है। ठीक है, रेलवे में लगभग 60-70 हजार भर्ती रहेगा। तो ऐसे में अगर अभी से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बहुत अपने साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि जो यहां भर्ती निकाली गई है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इसका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ईजीवे का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ईजीवे एप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और उस एप पे आपको सारा डिटेल्स में कोर्स मिल जाएगा। इसरो का जो कोर्स है अभी जो सतीश धवन का आया हुआ है, बार्क के साथ ही आप तैयारी कीजिए। ठीक है, बार्क का तैयारी हो जाएगा, इसरो का भी तैयारी हो जाएगा और आने वाले जितने भी टेक्निकल भर्ती होती है सबका लगभग सिलेबस कॉमन ही होता है, लगभग मिलता जुलता होता है। इसीलिए मैं बताऊंगा कि अगर आपको तैयारी करना है तो आप बार्क वाला जो कोर्स है उसको परचेज कर लीजिए और इसमें सतीश धवन में टेक्निकल ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन पे। अगर आपके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो easywayglobal.in वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। ठीक है ना, easyway का अपना वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आईटीआई जॉब से इस पर क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप पूछ रहा है, तो आपको करना है क्या, गवर्नमेंट जॉब पर क्लिक कर लेना है। गवर्नमेंट जॉब पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा और यहाँ पर देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब पोस्ट किया हुआ है। ठीक है ना, विश्व भारती का है, बार्क वाला यहाँ पे और ये है इसरो का। ठीक है, रीड मोर पर क्लिक कर लीजिए, इसरो वाला आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर का ये भर्ती है, 97 सीट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसके अप्लाई ऑनलाइन करने का यहाँ पे लिंक दिया होगा, क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद जो नोटिफिकेशन है मेरे पास है, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। सबसे ये जो भर्ती निकाली गई देख सकते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है ना, इसमें भर्ती निकाला गया, इसरो का अलग अलग बहुत सारा संगठन है इसमें निकाला गया और इसमें जो विज्ञापन संख्या का दिनांक दिया 26/4 से ये विज्ञापन प्रसारित किया गया, मतलब आज ही के दिन निकाला गया है और फॉर्म भी ये स्टार्ट हो गया भरना। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते, जैसे फोटोग्राफी के लिए 2 सीट है यहाँ पे, बीटेक वालों के लिए यहाँ पर देख सकते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर पद निकाले गए हैं। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमा वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले दोनों लोग के लिए इसकी फॉर्म कर रहे हैं, आप लोग डिटेल्स में डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग ये सब चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, कर लेंगे। लेकिन जो हमारे आईटीआई के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उनके लिए हम डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए सीधे चलते हैं, आईटीआई का जो पद निकाला गया उस पर हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जो आईटीआई के लिए पोस्ट निकाला गया है यहां पे, यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां से देखिए पहला यहां पर 13 नंबर पर देखिए इलेक्ट्रीशियन दिया हुआ। ठीक है ना, इसमें एज का प्रॉब्लम नहीं है बाबू, इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है ना, 6 पद है। ठीक है, और भी इलेक्ट्रीशियन का सीट है, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रीशियन का 2 पद है। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन दिया है, मैट्रिक पास होना चाहिए प्लस में आईटीआई पास होना चाहिए। ठीक है ना, एनसीबीटी से होना चाहिए। ठीक है ना, एससीबीटी अलाउड नहीं, एनसीबीटी से आईटीआई पास होना चाहिए। किससे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 6 सीट वाले में। 14 नंबर पर इलेक्ट्रीशियन है, रसायन के लिए दिया हुआ, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई पास होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन दोनों दिया, मतलब 6 या 2 8 सीट आपके लिए यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो फिर फिटर के लिए आता है, फिटर के लिए यहाँ पे टोटल 17 सीट है। ठीक है ना, फिटर के लिए अच्छा है, 17 सीट दे दिया है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं मैट्रिक पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए किससे, फिटर ट्रेड से और एनसीबीटी से आपका मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, फिर फिटर के लिए 2 सीट दिया है असाइन डिपार्टमेंट के लिए और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन वही है। ठीक है, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 3 सीट है और क्वालिफिकेशन 10th+ आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे,
आगे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 13 सीट है यहाँ पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले बच्चे भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, कल से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा बार्क को लेकर, आप भी उस कोर्स को परचेज कर लीजिए, इसका भी तैयारी साथ ही में हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI NCVT होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से, ठीक है। डीजल के लिए यहाँ पर दिया है 3 सीट, ठीक है ना, डीजल मैकेनिक्स का 3 सीट है और उनके भी सेम वही क्वालिफिकेशन है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स 1 सीट है, 10th प्लस ITI होना चाहिए। प्लम्बर के लिए 2 सीट है, इसमें भी 10th प्लस ITI होना चाहिए और इसमें एज तो बहुत दिया है, 30 प्लस तक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पंप ऑपरेटर के लिए 7 सीट है, ठीक है ना, पंप ऑपरेटर के लिए कितना है 7 सीट है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आपको 10th प्लस ITI होना चाहिए किससे, पंप ऑपरेटर से, ठीक है ना, कम मैकेनिक ट्रेड से, पंप ऑपरेटर या कोई मैकेनिकल जो ट्रेड होता है उससे है तो चलेगा, ठीक ना। फिर भारी वाहन डीजल मैकेनिक्स वाले जिसके पास लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो ट्रेड दिया है डीजल मैकेनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए डीजल वाले। इसके अलावा RSC के लिए 1 सीट है, ITI आपको RSC ट्रेड से होना चाहिए NCVT से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ सिविल मैकेनिकल, लेकिन इधर सिविल में जो 2 पोस्ट दिया है और मैकेनिकल में जो 2 पोस्ट दिया, दोनों में ITI मांगा है, लेकिन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल और ड्राफ्टमैन सिविल के वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा पोस्ट के बारे में डिटेल्स, ठीक है, इसे डाउनलोड करके और डिटेल्स में आप समझ सकते हैं। चलिए मेन मेन जो चीज आपको हम बताते चलते हैं, इसमें जो सैलरी है और एज है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए टेक्नीशियन बी के लिए 11 से 26 तक टेक्नीशियन बी के लिए पद निकाले गए हैं, ठीक है ना, 11-26 तक। इसमें आप देखिए 18 से 35 साल एज दिया हुआ है, ठीक है, 18 से 35 साल एज है और आपका सैलरी है 30,814 रुपए पर मंथ, प्लस में बेसिक पे प्लस DM भी मिलेगा, 35-40,000 प्लस आपका सैलरी होने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आएगा, भरे इस फॉर्म को आप लोग। और इसमें जो करियर प्रोसीजन है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस में आवेदन करने के लिए डिटेल्स यहाँ पे दिया है कि 750 रुपए लगेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और भुगतान में दिए गए प्रत्येक का भुगतान किया जाएगा, अब जिन चलिए कुछ छूट भी दिया गया है इसमें फॉर्म भरने में, ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग बाद में, पहले मेन जो डिटेल्स है उसके बारे में हम यहाँ समझते हैं। इसके बाद चलिए चलते हैं इसमें जो सिलेक्शन प्रक्रिया उसके बारे में समझते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया आ चुका है हमारे सामने, सिलेक्शन कैसे होगा भाई समझिए, चयन प्रक्रिया के बारे में, लिखित परीक्षा होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट दोनों होने वाला है। और यहाँ पे डिटेल्स में दिया है कि जो लिखित परीक्षा होगा उसमें क्या कराएगा, देखिए बोला है लिखित परीक्षा में जो टेक्नीशियन बी वाले हैं ड्राफ्टमैन वाले हैं, देखिए उनके लिए बोला है कि 80 क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है ना, और 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा, 80 क्वेश्चन और 1.5 घंटा टाइम है आपके पास, 90 मिनट है। सही के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत के लिए 0.33 नंबर काट लिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन 80 नंबर का रहेगा, सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 0.33 नंबर कट जाएगा। और जो स्किल टेस्ट होगा 100 अंक का होगा, ठीक है ना, इसमें पास करना होगा, मतलब 60% नंबर आपको लाना होगा स्किल टेस्ट में, ठीक है, तब जाकर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन जो पूछेगा 70% क्वेश्चन आपका टेक्निकल से रहेगा, मतलब 80 में से 70 के आसपास जो प्रश्न होंगे टेक्निकल से होंगे, कुछ वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस होंगे, कुछ रीजनिंग होंगे, कुछ मैथमेटिक्स, कुछ करंट अफेयर, थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन इधर उधर रहता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से कौन सा कोर्स लेना हो उसके अनुसार आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पासिंग मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है ना, 24 नंबर पासिंग दिया था, लेकिन पासिंग से कुछ होता जाता नहीं है, आपको नंबर लाना पड़ेगा मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। बोला है कि स्किल टेस्ट का कोई मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं दिया जाएगा, मतलब स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है, केवल पास करना है, मेरिट लिस्ट आपका रिटन एग्जाम पर बनेगा। ये डिटेल्स था, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया, यहाँ पटना भी सेंटर देगा, ये सेंटर का नाम दिया हुआ है। और फॉर्म भरने का वीडियो ITI इंस्टीट्यूट चैनल पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्री में क्लासेस इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर कराया जाता है, यूट्यूब पे सारे क्लासेस कराए जाएंगे फ्री में, इजी वे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ITI इंस्टीट्यूट चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिए, वहां पे ये वीडियो फॉर्म भरने का अपलोड किया जाएगा, बिना वीडियो अपलोड किए हुए फॉर्म नहीं भरिएगा, नहीं तो मिस्टेक होगा, तो फिर दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।